दोस्तों आज मधुबनी से आरजेडी के लोकसभा उम्मीदवार अली अशरफ फातमी ने अपना रोड शो किया। जी हां, वे अतरवेल से दिन के 11 बजे अपनी रोड शो को प्रारंभ किए। साथ ही साथ जाले, भड़वारा, सिंगवाड़ा, कमतौल होते हुए वे देवरा बंदोली तक पहुंचे, जिस दौरान करीब 500 गाड़ी का काफिला और हजारों समर्थकों के साथ उन्होंने रोड शो किया। साथ ही साथ सभी लोगों ने उनका बहुत ही ज़्यादा अभिनंदन किया, स्वागत किया। जिस भी गांव से गुजरे, जहां से भी गुजरे, वहां पे लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं मधुबनी साथ ही साथ दरभंगा के सभी प्रवक्ता, राजद के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इसमें रामाशेष यादव, इंद्रजीत राय, अली अशरफ फातमी के बेटे जो कि केवटी से विधायक थे, फराज फातमी, वे भी मौजूद थे। जनसमर्थों के जनसैलाब को देखकर एक अलग बिगुल फूकती जा रही है, तो देखने वाली बात होगी अली अशरफ फातमी को कितना जनसमर्थन मिल पाता है। मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा जिला के 3 ब्लॉक आते हैं। जी हाँ, 3 ब्लॉक में केवटी ब्लॉक, जाले ब्लॉक और साथ ही साथ सिंगवाड़ा ब्लॉक आते हैं। और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें मधुबनी हलचल न्यूज़। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अली अशरफ फातमी क्या अशोक यादव को मात दे पाते हैं या नहीं।